हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो सबका एक बार मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को, गोलगप्पे वाली, सूजी के गोलगप्पे वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पाव भाजी। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल ले लिया, जिसमें कि मटर है, गोभी है, गाजर है, कैप्सिकम है और बीन्स हैं। आप चाहें तो इसमें आलू और चुकंदर वगैरह कोई भी सब्जी और भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें पानी ऐड करने जा रही हूँ। पानी उतना ही लें कि सब्जियाँ डूब जाएं। अभी मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक मैं 1 टीस्पून ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती थी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, अदरवाइज फिर समझ नहीं आता। तो जहाँ पे मैं 4 विसल के लिए तो रख दिया है मैंने प्रेशर कुकर को गैस पे। तो जहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ लहसुन के टुकड़े, कलियाँ और थोड़ा सा अदरक, इनको मैंने क्रश कर लिया है, जाने की दरदरा पीस लिया है। 2 मैंने अनियन लिए हैं, इनको भी पेस्ट बना लेंगे इसका भी। मैं तो तैयारी करके दे रही हूँ, बनाने तो मेरी बेटी जा रही है पाव भाजी। तो देखिए जहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है प्याज का, पांच से 6 टमाटर ले लिए मैंने और 3-4 हरी मिर्च, इनको इकट्ठा ही पीस लेंगे। प्यूरी तैयार कर लेंगे टमाटर की। और वेजिटेबल जो है वो बॉयल हो चुकी थी, तो अभी हम लोगों ने उसको मैश कर लिया मैशर से। तो आप चाहें तो यहाँ पे मैंने सारी जो वेजिटेबल हैं वो बिल्कुल ही पेस्ट बना ली है, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल भी कोई खड़ी खड़ी सब्जी नहीं खाता। अगर आप चाहें तो मैशर से उतना ही मैश करें कि वेजिटेबल आपको बिल्कुल मार्केट जैसी दिखनी चाहिए, तो थोड़े थोड़े पीसेस उसके नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पहले रिफाइंड ले लिया, फिर उसके बाद बटर। बटर जो है सीधा डायरेक्ट मतलब कि पैन में नहीं डालना चाहिए, वो जल जाता है, इसलिए थोड़ा सा पहले रिफाइंड डालते हैं। तो सबसे पहले जैसे ऑयल गरम हुआ, बटर गरम हुआ, तो उसमें हमने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि दरदरा हमने बना के रखा था। और मेरी बेटी बना रही है, बस मैं शूट कर रही हूँ। तो अभी जो है लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो हल्का गुलाबी होने के बाद इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। दो से 3 मिनट भूनने के बाद अभी इसमें जो टोमेटो प्यूरी और हरी मिर्च का पेस्ट हमने तैयार किया था तो वो ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक, 1 चम्मच देगी मिर्च, रेड चिली पाउडर भी कह सकते हैं आप। देगी मिर्च 1 चम्मच इसलिए लिया कि उसका रंग अच्छा आता है, थोड़ा सा गरम मसाला और 3 टेबलस्पून इसमें पाव भाजी मसाला जाएगा। अब 4 से 5 मिनट इसको कुक करेंगे अच्छे से भूनेंगे मसाले को। अभी इसमें हमने जो वेजिटेबल की ग्रेवी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 नींबू का रस जो है वो उसमें ऐड करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। अभी इसको 10 मिनट के लिए उबलने देंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। अभी आप देख रहे हो इसमें गाढ़ापन आ गया है। तो ये अपनी ग्रेवी तैयार है, भाजी तैयार है। अब इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया के बिना तो कोई सब्जी अच्छी ही नहीं लगती, स्पेशली पाव भाजी। तो आप देख सकते हो कितना मतलब कि अच्छा लग रहा है देखने में। अभी जहाँ पे पाव सेक रहे हैं
पाव जो है वो मैं देसी घी के साथ सेक रही हूँ, मैं नहीं, मेरी बेटी सेक रही है। आप चाहें तो बटर के साथ भी सेक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पाव भाजी वाली थाली हमारी बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने थोड़े से प्याज और हरी चटनी भी रख ली थी। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।